हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 115 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि 115 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बतला रहे हैं 2, 3, 5, 7 और इसी प्रकार से आगे भी होती है। तो हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो दोस्तों, यह संख्या इस 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि दोस्तों 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिस संख्या की इकाई के अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है। लेकिन इस संख्या की इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या इस 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो दोस्तों, यह संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 3 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है। यदि इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह भी संख्या इस 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 5 से कटेगी। तो हाँ दोस्तों, यह संख्या इस 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों 5 से वही संख्या कटती है जिस संख्या की इकाई के अंक 0 या 5 रहता है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, जो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह संख्या इस 5 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को 5 से कटाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 11 है, तो यह 11 इस 5 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए दो बार में 10 ले जाएंगे और इस 11 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह 15 हो जाएगा। तो यह 15 इस 5 से तीन बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है। देखिए, यहाँ पर 23 आ गया, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इस 23 को 23 से कटा देंगे, तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे 115। देखिए, 115 जो यह संख्या एक बार 5 से कटा है और एक बार 23 से कटा है, तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेंगे 5 × 23। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना 5 × 23, यही इस 115 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।